काम क्रोध मोह लोभ तरसना नहीं है। इसते हैं वो कामदेव को भी जीत लें, कामदेव उनके शरीर के अंदर जागृत नहीं कर सकता, काम क्रोध मोह लोभ तरसना से बहुत दूर रहते हैं और उनके लिए पूरा विश्व पूरा संसार एक रूप का सबको ज्ञान देते हैं। मैं उनके लिए सब एक हो, ना कोई धर्म है सत्संग में, ना कोई पंथ है, जितना भी मानव पृथ्वी पर सब एक है। पर कहां ये आपस में जो विरोध विरोध लड़ रहे हैं ना, सब अज्ञान का है, सत्संग का ज्ञान नहीं है। अगर सत्संग का ज्ञान हो जाए तो कोई आपस में लड़ने का ही नहीं, कोई दुखी नहीं होने का यहाँ, कोई गरीब भी नहीं रहने का यहाँ। इसलिए महापुरुषों ने सत्संग फरमाया है जिससे जीव का कल्याण हो, विद्वान हो, सत्संग का आनंद लें, सत का सुमरण करें। जो संतों ने बताया है, सदगुरु रविदास जी ने बताया है, सत का सुमरण एक हमारे जो अंदर कल्पनाएं हैं, गंदे कर्म हैं, उन्हें दूर कर सकता है। मानो की छोटी बड़ी शक्ति नहीं है, मानो एक भरपूर शक्ति है यहाँ, मानो के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है यहाँ, उसे हमें जानना है। ये जितना भी यहाँ देख रहे हम सब मानव ने बनाया है, बड़े बड़े कारखाने लगाए, पंखे बनाए, बिजली बनाई, रेल बनाई, जहाज बनाए, तोप गोले भी बनाए दिए, तुमने अपने खतर एक दूसरे को मारने के लिए, किसके लिए, खुद अपने आप मिटने के लिए। मानो जो असत्य है, जो जब सत्य आ जाएगा फिर किसी का ना तो लड़ने का, ना तोप गोले की जरूरत बनाने की पड़ने की, ना वकील की किसी की जरूरत पड़ने की। जो संतों ने ज्ञान दर्शा, अगर हम सत्य को जान लें, हम पांच तत्वों से पैदा हुए हैं, पांच तत्वों से सब पूरा संसार। जब हम पांच तत्वों से पैदा हुए तो हमारे माँ बाप पांच तत्व ही हैं, सबके माँ बाप पांच तत्व हैं, जितने भी यहाँ सब धरती पर मानव है। तो हमने फिर धर्म बना लिए, पंथ अलग अलग बना लिए, किस लिए कि हमें ज्ञान नहीं है उस चीज का। अरे एक तत्व से पैदा हुए, बनना मिटना लगा हुआ है, जब तक रहो खुशी रहो, सुखी रहो, भजन बंदगी करो, माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप भी तो भगवान है जिन्हें हमें सब कुछ दिया, यहाँ पढ़ाई लिखाई, जो धन दौलत है जोड़ के अपने बच्चों को देते हैं, उससे बड़ा भगवान देख क्या कोई धरती में। माँ बाप सबसे बड़ा भगवान है, फिर गुरु जो अच्छा कर्म बता दे, हमें जो सच के गुरु हो, धन का दुखा ना हो, अर्थ में सच का ज्ञान करे, सच्चा प्रेम करे। संसार में दो प्रकार के प्रेम है, एक असत्य का है और एक सत्य का है। संत जो है वो सत्य का प्रेम करते हैं, सभी से करते हैं, उनके लिए सब बराबर है, चाहते हैं कि मेरे बच्चे सब खुश रहे, सुखी रहे। संत के सब बच्चे हैं, वो नुचादा के सब सुखी रहे, खुश रहे, दुखी ना हो। तो उसे हमें समझना है, उसे जानना है। गुरु के पास क्यों जाएं? अब गुरु का सिर्फ हमारे हाथ आ जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा, हमारा संकट दूर हो जाएगा। इसीलिए तो जाएं गुरु के पास बेटा। बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े गुरुद्वारे गुरुओं के नाम के बने हुए हैं, जो उन्होंने समाज इस धरती माता पे आने के और मानव कल्याण के लिए हमें रास्ता बताया है। उसे समझना है हमें। ये जो चित्र देख रहे हैं ना यहाँ, ये महापुरुषों के, उन्होंने धरती पर आने के जीव का कल्याण किया बेटे, तो उनका ही गुण हमारे अंदर है, उनका ही कर्म हम कर रहे, बता रहे कि कोई दुखी ना रहे, यहाँ सुखी रहे सब। दुख तो अपने कर्मों से है बेटे। अगर बच्चा पढ़ लिख अच्छा नौकर बना दिया कहीं, अच्छा कोई डॉक्टर बना दिया, कोई इंजीनियर बना दिया आपने, तो आपको सुख मिलेगा पूरे परिवार को। बच्चों को नशे से दूर रखो, नशा एक बहुत हानिकारक है मानव के जीवन में। नशा अपने बच्चों को नशे से बहुत दूर रखो, दो पैसे बचेंगे, घर में काम आवेंगे, फेफड़े गुर्दे बचेंगे, खराब होने से, नशा करने से, बीड़ी पीने से भी फेफड़े गुर्दे खराब हो जाएं। नशा तो हर चीज का नुकसान करता है, धन का भी, इज्जत का भी और शरीर का भी। तो नशा आदि करना, और भाई दहेज भी कुछ कम करो, जिस तरह सुख मिले। गरीब आदमी आज बहुत दुखी है, दहेज भी हमें इस समाज को कम करना चाहिए, सभी को। गरीब आदमी को तो अपने अच्छे हिसाब से करो, जिस तरह अपना दुखी ना हो। सुख कहीं तो कोई देने वाला नहीं।